जय हिंद ईवी लवर्स। चलिए इस हफ्ते की ईवी न्यूज़ पे एक नज़र डाल लेते हैं। सीधी बात, नो बकवास। पहली न्यूज़ आ रही है एथर एनर्जी की तरफ से, जिसने पिछले महीने 2825 यूनिट्स की सेल्स फिगर्स को अचीव किया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये 366% ज़्यादा है। फिलहाल अब एथर का टारगेट चेंज हो गया है और वो हर साल 1 मिलियन यूनिट बेचने का प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच आपको बता दूं कि एथर ने लखनऊ में भी अपना एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर दिया है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 450X की कीमत है लगभग 1,70,000 रुपये विदाउट स्टेट सब्सिडी और ओला इलेक्ट्रिक S1 प्रो की कीमत है लगभग 1,57,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं बिना स्टेट सब्सिडी के कौन जीत रहा है। हमारी दूसरी खबर भी आ रही है एथर एनर्जी की तरफ से। एथर एनर्जी ने हाल में ही कर्नाटका गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके कर्नाटका में 1,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगाने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। फिलहाल तरुण मेहता ने ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई अपने ट्विटर हैंडल से और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी कोई इंटेंशन के साथ वो गवर्नमेंट से मीटिंग करने नहीं गए थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा प्रपोजल रखा गया जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही तीसरी न्यूज़ भी एथर की तरफ से ही आ रही है। एथर का जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी अफवाहें अब तेज़ हो चुकी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है 2023 में इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है लॉन्च हो भी जाए। साथ में एथर 450X से कम पावरफुल होगा यह इलेक्ट्रिक स्कूटर, साथ ही इसकी प्राइस भी लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास होने वाली है। तो ओला इलेक्ट्रिक के आने के बाद एथर का भी बाज़ार गर्म हो गया है, ऐसे में बाज़ार में गर्मा गर्मी तो रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों फोर्थ न्यूज़ आ रही है सिंपल एनर्जी की तरफ से। सुहास राजकुमार जो कि सिंपल एनर्जी के CEO हैं, उन्होंने हाल में ही अपने ट्विटर हैंडल से सिंपल एनर्जी में लगने वाली मोस्ट पावरफुल येट कॉम्पैक्ट वॉल्यूम वाली इलेक्ट्रिक मोटर को टीज़ किया और उनके अकॉर्डिंग 50 आइट्रेशंस के बाद इस मोटर को तैयार किया गया है जो सिंपल वन को पावर देगी। साथ में ही CEO ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर की पहली झलक भी दिखाई जिसमें वो अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपीरियंस सेंटर बेंगलुरु में ही ओपन होगा। फिलहाल जून में सिंपल एनर्जी अपना प्रोडक्शन यूनिट चालू करके डिलीवरी भी स्टार्ट करने का वादा कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ आ रही है रिवोल्ट मोटर्स की तरफ से। रिवोल्ट अपना नया एक्सपीरियंस सेंटर नोएडा में ओपन कर रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्सपीरियंस सेंटर खुलने जा रहे हैं और खुल भी गए हैं कुछ के तो, और ओला इलेक्ट्रिक भी अपनी डिलीवरी दे रहा है, लेकिन स्टेट सब्सिडी के नामो निशान नहीं है इसीलिए सारी गाड़ियाँ यहाँ काफ़ी महंगी हैं। और सिक्स्थ न्यूज़ आ रही है ग्रेफ्टन मोटर्स की तरफ से। दोस्तों ग्रेफ्टन मोटर्स का नाम अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है क्योंकि इन्होंने लगातार 4,012 किलोमीटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला डाला है और इसके लिए इन्होंने 164 घंटे और 30 मिनट लिए। इतना लंबा इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए स्वैपिंग बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसके साथ साथ मोबाइल बैटरी स्वैपिंग यूनिट इनके साथ साथ चली थी और पूरी 4,000 किलोमीटर की जो रेंज थी इनकी वो बैटरी स्वैपिंग टेक्निक पर ही कवर की गई। दोस्तों ये हमारी कंट्री के लिए गौरव की बात है। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से। महिंद्रा अपनी EXUV300 इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाई भी थी इन्होंने, उसको 2023 के एंड में लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये गाड़ी नेक्सॉन EV, MG ZEV और कोना इलेक्ट्रिक जैसी इलेक्ट्रिक कारों से कंपीट करेगी। दोस्तों एक और न्यूज़ आ रही है जो कि आठवीं न्यूज़ और आखिरी न्यूज़ है हमारी, वो आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से। दोस्तों हीरो इलेक्ट्रिक और एक्सिस बैंक के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत आपको फाइनेंसिंग एड अब एक्सिस बैंक ही देगा अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदते हैं। यानी हीरो इलेक्ट्रिक का ऑफिशियल EMI पार्टनर बन गया है अब एक्सिस बैंक, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदिए हीरो इलेक्ट्रिक की और उसके साथ आपको फाइनेंशियल ऑप्शंस जो होंगे एक्सिस बैंक उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की न्यूज़ इस वीक की। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।